नमस्ते बच्चों, मेरा नाम एकता अग्रवाल है। जैसा कि आप जानते हो, प्रीवियस वीडियोस को आप देख चुके हो, यूनिट्स, मेजरमेंट, डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो एरर्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि एरर्स क्या होते हैं। जनरली बेटा ये एरर्स होते क्या हैं, फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं एरर्स की, तो एरर्स का एक सिंगल मीनिंग होता है मिस्टेक। सिंगल जो मीनिंग होता है मिस्टेक और बाय मिस्टेक। कि यदि आप किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा जो वैल्यूज है उनके अंदर डिफरेंस आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एरर्स कहेंगे। ऐसा ही मैं एग्जांपल यदि आपका ले लेती हूँ कि हम जयपुर की बात कर रहे हैं हम जयपुर की, हो क्या रहा है, जो सबसे पहले जो टेम्परेचर है बताया गया है कि राजस्थान का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट यहाँ का तो वेदर क्या है, रेनी हो रहा है। कैसा वेदर है ये, रेनी वेदर है। तो अब बताइए, जब हम इसका थर्मामीटर से मेजरमेंट करेंगे तो क्या 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही हमारा टेम्परेचर आएगा, क्या नहीं आएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेम्परेचर लगभग कितना हो जाएगा, 27 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस आया है, टेम्परेचर डिफरेंस कितने का आया है, 27 माइनस 23 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो किसी ना किसी रीजन की वजह से हमारी जो वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, वो रियल वैल्यू से डिफरेंट हो जाए, तो उस वैल्यू के डिफरेंस को एरर कहते हैं। अब यहाँ माना जाएगा कि जो टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि एरर्स हमारी मिस्टेक की वजह से भी आ सकता है, टीचर्स की मिस्टेक की वजह से भी आ सकता है, वेदर की वजह से भी आ सकता है, हो सकता है हमें प्रैक्टिकल करना ना आए तो जो है प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कभी कभी एरर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स रहते हैं कि इस चीज़ के अंदर इतना एरर आएगा ही आएगा, या कभी ये फिक्स वैल्यू आएगी ही नहीं। हम एक बकेट है, बकेट के अंदर बहुत सारी बॉल पड़ी हुई है, उसको आप उठा रहे हो, बॉल को पिक कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेड बॉल ही आपके पास आए, हमेशा ब्लू बॉल ही है। तो ये क्या होते हैं, रैंडम एरर्स होते हैं जिनका आना कंपलसरी है। तो आज हम एरर्स के बारे में चर्चा करते हैं। आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि एरर्स होते क्या हैं। अपने जो रियल वैल्यू होती है उसमें से जब हम प्रैक्टिकल वैल्यू को माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है, रियल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू का जो डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं एरर्स, क्लियर बात। अब एरर्स के कुछ टाइप्स हैं वो देखते हैं हम, एरर्स के टाइप्स, ठीक है। एरर्स सिस्टमैटिक एरर भी होते हैं और रैंडम एरर भी होते हैं। अब ये क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं वो वन साइडेड होते हैं। सिस्टमैटिक एरर कैसे होते हैं, वन साइडेड। वन साइडेड होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे या जीरो होगा, जब एरर ही नहीं है तो जीरो आएगा। जनरली जीरो एरर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बट किसी कोई एक्यूरेसी है तो जीरो, बट हमेशा ये माना जाता है कि आइडियल कंडीशन कभी भी होती नहीं है, इसलिए जीरो एरर कभी भी नहीं होता है। रियल कंडीशंस के अंदर एरर कुछ ना कुछ जरूर होगा, हो सकता है वो विजिबल हो सकता है वो इनविजिबल हो, पता चले वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये इतना कम है कि उसको कैलकुलेशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्लियर है। तो इसको अपन बोलते हैं इनविजिबल और विजिबल एरर, वन साइडेड है। इसके एग्जांपल की यदि मैं बात कर लूँ, इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो क्या है, दे कैन बी करेक्ट, दे कैन बी करेक्ट, इन्हें सही किया जा सकता है, इसके जो एरर की वैल्यू है उसको डिक्रीज किया जा सकता है। यदि हमें पता लग जाए कि ये एरर का रीज़न क्या है तो इसके जो एरर है उसको हम कम कर सकते हैं। आप देख सकते हो जीरो एरर दिया हुआ है, यहाँ टाइप्स के अंदर जीरो एरर, इन एक्यूरेटली कैलकुलेटेड इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि आपने इंस्ट्रूमेंट तो लिया लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट में या तो उस इंस्ट्रूमेंट को आपको चलाना नहीं आया, या वो इंस्ट्रूमेंट की जो बनावट है वो ख़राब है, या जो उससे रीडिंग ले रहा है उसको रीडिंग लेना नहीं आ रहा, उसको यूज लेना नहीं आ रहा, तो ये होता है इनक्यूरेटली कैलकुलेटेड नंबर्स। रैंडम नंबर्स की मैं बात कर लूँ
कि जैसे आपको पैरेलेक्स मेथड यूज में लिया जाता है. व्हाट इज द पैरेलेक्स मेथड? पैरेलेक्स मेथड यूज में लिया जाता है कि अर्थ के ऊपर आप दो पर्सन खड़े हुए हो और वहां से आपको जो है सन की दूरी मेजर करनी है या मून की दूरी मेजर करनी है या किसी स्टार की दूरी मेजर करनी है, मतलब अपने से बहुत दूर स्थित कोई दूरी आपको मेजर करनी है. ये यहाँ खड़ा हुआ है, बी यहाँ पर है, यहाँ है सूर्य और हमें इसकी दूरी मेजर करनी है. तो इसको जो हम मेथड को बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं पैरेलेक्स मेथड. इसके अंदर एरर आएगा ही आएगा, फिक्स है. तो इन जो इस टाइप के जो एरर होते हैं, इन्हें हम ठीक तो कर सकते हैं लेकिन इनका आना कंपलसरी है. कि इनका आना क्या है? कंपलसरी है, ये आएंगे ही आएंगे. और इसके एरर्स को कम करने के लिए हम क्या निकाल लेते हैं बेटा? एवरेज निकाल लेते हैं. इस टाइप के एरर्स को कम करने के लिए हम एरर्स का उपयोग करते हैं, एवरेज का उपयोग करते हैं. सॉरी, किसका उपयोग करते हैं? एवरेज का. कि पांच वैल्यू हमने निकाली और उनका एवरेज निकाल लेंगे हम. जैसे क्या है, एरर की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर में. इसका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन, ब्रीफली में पहला आपको दिया हुआ है ब्लंडर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लंडर्स? एरर्स कॉज्ड बाय केयरलेसनेस, दे आर टिपिकली एक्सीडेंट्स. ठीक है, हम रीडिंग निकाल रहे हैं लेकिन हमें पता है नहीं रीडिंग कैसे निकालनी है. ठीक है, किसी भी तरीके से, जैसे वो पेपेड ब्यूरेट वाला एग्जाम्पल होता है, आपको वो मुंह से पेपेड में क्या होता है, भरनी होती है पानी को, जो भी आपका लिक्विड होता है उसको अपन भरते हैं. और क्या होता है, वो जो नोट पॉइंट आता है उससे कभी तो वो ऊपर आ जाता है, कभी वो नीचे आ जाता है, फिक्स बहुत कम बैठता है ना. तो क्या करते हैं ये, इसको केयरलेसनेस बोलते हैं, इसको ब्लंडर्स भी कहते हैं. दूसरी हम बात करें सिस्टमेटिक एरर. तो सिस्टमेटिक एरर के अंदर एरर्स दैट आर आइडेंटिफाइबली एंड कैन बी फिक्स्ड, दे कॉज, ठीक है ना, दे कॉज मेनी टाइप्स ऑफ एरर. They cause many types of error. इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसमें दिया हुआ है एरर्स दैट आर आइडेंटिफाइड, कि ऐसे एरर जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे सिस्टमेटिक एरर कहते हैं. एनवायरमेंटल एरर, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमने अभी टेम्परेचर मेजर किया और पता चला मानसरोवर में क्या हो गई, बरसात हो गई तो भाई यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो एनवायरमेंटल इशू है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. सेकेंड ऑब्जर्वेशन, कि आपको ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, पता है रीडिंग 90 के एंगल पर ली जाती है, ऐसे है आपको बिल्कुल 90 के एंगल पर आके रीडिंग लेनी है. ठीक है, तो सामने वाला बच्चा तो रीडिंग नहीं ले रहा है, इधर वाला बोल रहा है, इधर वाला बच्चा बोल रहा है, तो उसको वो एक्यूरेट नहीं दिखाई देगा. हम घर में भी जो घड़ियाँ लगी होती है उस पर टाइम को अपन देखते हो ना, तो टाइम को अपन बिल्कुल घड़ी के सामने देखते हैं तब तो एक्यूरेट दिखाई देता है, अदरवाइज सेकेंड और मिनट की भी थोड़ा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आपके दिखाती है. थर्ड होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया है वही ठीक नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है. पता चले रीडिंग आपको यहाँ से मेजर करनी है और ये इतना भाग इसका एक्स्ट्रा है, तो ये इतनी रीडिंग आपकी एक्स्ट्रा निकलेगी, जैसा कि आप स्केल के अंदर देखते हो. क्लियर? थ्योरेटिकल एरर, ठीक है. एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर आपको पता नहीं है कि इसका एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो थ्योरेटिकल एरर्स के अंदर आ गया. रैंडम एरर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये अनकंट्रोल होते हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और इनका रीजन पता होने के बाद भी हम इसे कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते. क्लियर बात? कि हमें रीजन पता है फिर भी हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते. हम इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे वैल्यूज निकाल के उसका एवरेज हम ले लेंगे. तो रैंडम एरर भी आ गया, हो गया एनवायरमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल, वही दोनों टाइप इसके हैं. बट इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, रीजन हमें दोनों का ही पता होता है. तो आपको एरर समझ में आ गए अच्छे तरीके से? इतना कोई हम 11th 12th क्लास नहीं पढ़ रहे कि इतना डीपली आपको किसी चीज़ के अंदर जाने की जरूरत है. न्यूमेरिकल प्रोसेस आपको ज़्यादा समझना है तो आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. क्लियर? अब मैं आपको समझाती हूँ कि एरर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से किया जाता है. यहाँ से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते जो अभी मैंने पार्ट पढ़ाया है. ये पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है वो इसलिए कि चलो आपको पता तो चले कि एरर्स क्या होता है. पता चले आपसे पूछा व्हाट इज अ रैंडम एरर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर, तो आपको पता होना चाहिए
बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि एरर्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। एरर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस माइनस का साइन यूज में लिया जाता है, बिकॉज एरर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एरर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर? पता चले वो 5% वैल्यू कम दे रहा है, 5% वैल्यू ज्यादा दे रहा है, तो एरर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? साथ में इसके ये वैल्यू आपको दे दी जाती है कि यदि आपको बोल दिया एरर ऑफ ए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, अगर आपको दे दिया जाए एरर ऑफ बी इट कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस, एरर ऑफ आर इट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय दिस। क्लियर? प्लस माइनस डेल ए इसे हम बोलेंगे प्लस माइनस डेल ए, ये जो साइन होता है इसको हम डेल बोलते हैं। क्लियर बच्चों? आपको रिप्रेजेंट करना आ गया। अब यदि मैं आपको दे दूं एक डिजिट इस टाइप से 15 ± 5 मीटर, ये आपको लेंथ दी हुई है, तो क्या आप बता सकते हैं उसके अंदर रियल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू? इसकी जो रियल वैल्यू है वो क्या है 15 मीटर, और इसके अंदर जो एरर आ रहा है, एरर कितना आ रहा है ± 5 मीटर, और इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है इस टोटल को मिला के बनती है 15 ± 5 मीटर। आगे बस समझ में आपको जो 15 ± 5 दिया हुआ है इसके अंदर ये होती है रियल वैल्यू, ये होना चाहिए था बट एरर आ गया कितने का प्लस 5 का, तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू मिलकर बनी वो ये बन गई। ठीक है? मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगी कि आपकी जो रियल वैल्यू इसके अंदर से जो भी एरर है उसको माइनस कर दो तो प्रैक्टिकल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है? बात आ गई अच्छे से समझ में। आगे बढ़े, एरर्स के अंदर जहां से क्वेश्चन बनते हैं अब वहां हम पहुंच रहे हैं, जहां से भी इसके क्वेश्चन बनते हैं हम वहां पहुंच रहे हैं। तो पहुंचते हैं हम क्वेश्चन, पहला जो हमें निकालना होता है एरर्स का, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। फर्स्ट जो हम बात करने वाले हैं एरर्स के ऊपर, इसके अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी पड़ेगी, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, देन परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर इसकी हम बात करते हैं। तो सपोज देयर आर थ्री कंटेंट्स A1, A2 एंड A3, ये आपको तीन वैल्यूज दी हुई है कि हमने प्रैक्टिकल किया और हमने तीन वैल्यू फाइंड करी A1, A2 एंड A3। अब आपको इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर बताना है, रिलेटिव एरर बताना है एंड परसेंटेज एरर आपको इसके अंदर बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ता है, मीन। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मीन। और मीन कैसे निकलेगा? A=A1 + A2 + A3 / 3। 3 डिजिट है इसलिए हमने 3 का इसके अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इसका? मीन एरर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मीन वैल्यू निकालने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये ले लो। ठीक है, एब्सोल्यूट निकालने के लिए डेल्टा A1 एरर है ना, डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 - A, इसको ये मीन भी लिख सकते हैं, A1 - A मीन। What is the meaning of modulus? ये जो modulus का sign निकाला है इसका मतलब है कि बाहर जो भी digit आएगी
आइए। ये जो मॉड लगाया है इसका मतलब क्या होगा कि बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसी प्रकार से हम A2 के लिए निकाल लेंगे, A2 माइनस ए मीन डेल A3 क्या होगा, A3 माइनस ए मीन। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि आपको जो थ्योरी पार्ट है वो उतना ही कराया जाए जितना आपके आने वाला है एग्जाम्स के अंदर, जितना आपके लिए यूजफुल है। हम ऐसी क्लासेस को मिक्स नहीं करेंगे कि 11th का भी पूरी थ्योरी पढ़ा दी, 12th की भी पूरी थ्योरी पढ़ा दी, लंबे लंबे वीडियो बन गए, नहीं। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब फाउंडेशन जितना आपके एग्जाम्स में लायक है, जितनी थ्योरी आपके लायक है उतना ही आपको कराया जाएगा। ठीक है, कुछ भी फालतू नहीं कराएंगे, जो करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन एरर निकाल दिया, एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, अब हमें निकालना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हमें करना पड़ेगा डेल ए मीन इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, डेल A1 डेल A2 प्लस डेल A3 अपॉन 3। ये निकल गया आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले मीन एरर निकाला हमने, सबको जोड़ के जितने भी डिजिट थे उनका डिवाइड दे दिया, फिर हमने निकाला एब्सोल्यूट एरर, जो हमारी वैल्यू थी उसमें से मीन को हमने माइनस कर करके निकाल दिया। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हमने जो भी तीनों डिजिट थी उन तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दिया। क्लियर, तो क्या हो गया, तीनों चीज़ें हो गई इस तरीके से। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर के अंदर क्या करें, रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर RE इज इक्वल टू, ये जो आप निकालते हो डेल ए मीन, इसमें हम ए मीन को डिवाइड कर देते हैं, बस ये आपका रिलेटिव एरर निकल गया। क्लियर बात, रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल ए मीन अपॉन ए मीन। और परसेंटेज एरर तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, परसेंटेज एरर यदि निकालना चाहते हो तो जो भी आपका रिलेटिव एरर है इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का निशान हम लगा देंगे, ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। क्लियर बच्चों, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया कंप्लीट, इसके ऊपर एक एग्जांपल समझा दें आपको। ठीक है, जुनून रखो अपने अंदर, दुनिया जो कहेगी वो कहती रहेगी, जुनून आपके अंदर होना चाहिए हर चीज का। ठीक है, लाखों बच्चे हैं तैयारी करते हैं सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम अपना पार्ट देते हैं अपनी लाइफ का और सिलेक्शन को ले जाते हैं। उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है विजिबिलिटी का। आत्मनिर्भर है उनको अपने आप पर विश्वास है। सिर्फ पढ़ने से पढ़ाई नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ पढ़ने से तो केवल पढ़ाई होती है, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए हमें जरूरी है पढ़ाई, कंटेंट, टीचर और अपना खुद का मोटिवेशन, ये चार चीज़ होनी चाहिए। हर किसी के पास तीन चीज़ तो होती ही है, टीचर उन्हें अच्छे मिलते हैं, कंटेंट उन्हें अच्छा मिल जाता है, खुद भी पढ़ाई कर ही लेते हैं, मोटिवेशन की कमी आती है। मोटिवेशन आप किससे लेते हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लेते हो जो सिर्फ और सिर्फ आपको झुकाने का काम करते हैं। क्लियर बात, तो मोटिवेशन खुद का रखना है, बनना है तो मतलब बनना है, सिलेक्शन लेना है तो लेना है, क्योंकि जो सब्जी बेचते हैं उनके बच्चे भी टॉपर निकल जाते हैं और जहाँ महलों में रहने वाले बच्चे उनको पास होना भी दुर्बल हो जाता है। तो सारा जो करता धरता है वो है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन अच्छा है, पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, पढ़ाने वाले लाखों मिलेंगे आपको। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मोटिवेशन की, वो आप खुद से ही ले सकते हो। तो पढ़ाई करते रहें, इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास डिजिट्स है 7, 8, 9, 7, 8, 9। अब इसके अंदर हमको वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे हम इसकी, बताइए। मीन वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, ए मीन इज इक्वल टू 7 + 8 + 9 / 3। सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा आपके पास 8,
जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है आप लगाओ, नहीं लगाना चाहते हो मत लगाओ। क्लियर? अगर अंदर पहले से ही पॉजिटिव है तो बाहर मॉडल्स लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए, इन सबको जोड़ना है। डेल ए मीन इज इक्वल टू 1 + 0 + 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2 upon 3 एंड वी कैन राइट इट 0.666। इस टाइप से चलता रहेगा ये। क्लियर? अब हम बात करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा बताओ? रिलेटिव एरर के लिए हम क्या करते हैं? डेल ए मीन अपॉन ए मीन, तो ये क्या हो गया 0.666 upon 8। यदि आप इसे काटोगे तो क्या बचेगा आपके पास रिलेटिव एरर के अंदर? 0.333 upon 4। सॉल्व करेंगे इसे कितना आएगा? 0.8। बताओ, या तो इस तरीके से सॉल्व कर लो। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैम हमसे नहीं हो रहा ये सॉल्व, हमसे तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, मैथ के स्टूडेंट भी तो हैं और बायोलॉजी के भी हैं, तो आप क्या करो इसको ऐसे लिखे 10^-3 कर लो। अब तो सॉल्व कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 4×8=32, रिमेनिंग 1, 4×3=12, रिमेनिंग 1, ठीक है, 4×2=8, रिमेनिंग 2, 4×5=20, × 10^-3। अब देखिए पॉइंट लगा दीजिए वापस, या तो या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8325, 3 है ना, 1, 2 और 1 0 और आपको आगे लगानी पड़ेगी। अब हम लास्ट बात करते हैं परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर क्या होगा? 0.08325×100%, तो क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा 8.325%। 8% का एरर है, लगभग 8% का इसके अंदर एरर है, इसे नोट कर लो। इसके चांसेस बहुत कम है पूछने के। ओके डन, 1, 2, 3। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन ऑफ एरर। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? एरर्स। चलेगी तो बात एरर्स की। एरर्स का क्या करोगे आप? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन। ठीक है, इसको किस तरीके से करना है वो देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात कि एरर्स कैसे, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? यदि हमारे पास कोई नॉर्मल वैल्यू होती ए एंड बी, तो हम क्या करते हैं ऐड करने के लिए? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लेते हैं? आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आर इज इक्वल टू ए इंटू बी। एंड डिवाइड कैसे करते हैं? आर इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये तो पहले से ही पता है। ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर से जो बातें बताई हैं, ये नॉर्मल एरर्स के लिए मैंने आपको, सॉरी रियल वैल्यूज के लिए आपको ये सारी बातें बताई हैं। बट एरर्स के अंदर क्या होगा? एरर्स आर का होता है प्लस माइनस डेल आर, और ए के लिए हम यूज में लेते हैं प्लस माइनस डेल ए, बी के लिए यूज बनेंगे प्लस माइनस डेल बी। ध्यान रहे ये बात, एरर्स को
कभी भी माइनस नहीं करते हैं। एरर्स को ब्रेक करने का तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ। यदि r इज इक्वल टू ए प्लस बी है, इसका प्रूफ दिया हुआ है आपको 11th क्लास के अंदर। यदि मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखना चाहो जो मैंने 2 साल पहले बनाई हुई थी, 1-2 साल हो गया है, तो उन वीडियोज़ में आपको इसका फुल प्रूफ मिल जाएगा। आपके कोर्स के अंदर इसका फुल प्रूफ नहीं है। कॉम्पिटिशन में क्या करोगे प्रूफ का, कोई यूज़ ही नहीं है ना, जानते हो। तो देखिए, आर को प्लस माइनस डाला, ए को प्लस माइनस डाले, बी को प्लस माइनस डाले, इस टाइप से कर लेंगे। यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ आएगा प्लस माइनस डेल आर, प्लस माइनस डेल ए, प्लस माइनस डेल बी। अब कहोगे मैम ये क्या है भाई, एरर्स का तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्वल कर दिया आपने। बिल्कुल, एरर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इक्वल होता है। अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन को देखें। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है वो देखते हैं। यदि आपको लेंथ दे दें, L1 इज 100 प्लस माइनस 3 मीटर एंड L2 50 प्लस माइनस 3 मीटर, देन कैलकुलेट टोटल लेंथ एंड डिफरेंस ऑफ लेंथ। लो अब ऐसे कैसे करेंगे, इसको कैसे करना है सॉल्यूशन। L1 100 प्लस माइनस 3 मीटर, L2 50 प्लस माइनस 3 मीटर। टोटल लेंथ की मैं बात करती हूँ, टोटल लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, L1 प्लस L2। L1 क्या है, 100 प्लस माइनस 3, 50 प्लस माइनस 3। ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान क्या रखोगे, 100 एंड 50 रियल वैल्यू, 100 एंड 50 आर रियल वैल्यूज। इन्हें अपन डायरेक्ट ही लिख देंगे, 150 ऐड करके इनको हम डायरेक्टली ही लिख देंगे प्लस करके, क्योंकि हम जानते हैं ना एडिशन, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, तो उस टाइप से 100 और 50 को डायरेक्ट। बट ये जो वैल्यू है आपकी, ये एरर वैल्यू है, और मैंने क्या कहा है, एरर्स को कभी भी माइनस नहीं करते। ये आ जाएगा 3 + 3 = 6 मीटर, दिस इज योर आंसर, क्लियर। यदि मैं डिफरेंस की बात करती हूँ, यदि मैं किसकी बात करूँ, डिफरेंस की, तो क्या करना पड़ेगा, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो L1 माइनस L2। व्हाट इज द L1, L1 इज 100 प्लस माइनस 3 माइनस 50 प्लस माइनस 3, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये है आपकी वैल्यूज रियल वाली, तो रियल वैल्यूज का पता किस चलता है, प्लस माइनस से पहले आ जाती है, या फिर जिसके आगे प्लस माइनस नहीं लग रहा वो सब रियल वैल्यूज है। 100 और 50 रियल है, तो इनको माइनस करना पड़ेगा, 50 आ गया, डायरेक्ट वैल्यू देख के चुटकियों में आंसर। ये एरर्स, एरर्स को कभी माइनस नहीं करते, ऐड करते हैं 6। तो क्या आप देख पा रहे हो कि ये जो 6 है और ये जो 6 है इक्वल है, मतलब एरर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्वल ही होता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको धमाकेदार, ठीक है ना, जैसा आपका यूनिट और डायमेंशन का करवाया था ना, फुल जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे मैंने कराए हैं आपको, ठीक है, और आपको लिखा भी हुआ है ये कौन से सन में आया हुआ था। ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो आने वाली है धमाकेदार, उससे पहले इस वीडियो को देख के क्लियर कर देना, सभी बच्चों को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे ही सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लाइव वीडियोज आपकी स्टार्ट कर देंगे, क्लियर बात, ये आगे समझ में। अब हम इससे पहले चलते हैं, इससे पहले जो हम बात कर रहे हैं, अब मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन की बात कर रहे हैं। अब क्या करें भाई, मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको बोला जाता है इस टाइप से,
रिलेटिव एरर की फॉर्म में बोला जाता है इसको। और परसेंटेज का साइन लगा दोगे इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज की फॉर्म में खुल जाएगा। फिलहाल अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज़ दे रखी हो तो आपको इसको इस टाइप से खोलना है। ए को किस तरीके से खोलेंगे, डेल ए अपॉन ए, बीच में प्लस ही आएगा, इस टाइप से ये खुलेगा। बहुत सारे नंबर के कराएंगे आपको अगली वीडियो के अंदर, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। जितने भी डाउट्स होंगे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। और एकता अग्रवाल फिजिक्स के नाम से अपना इंस्टाग्राम पेज भी है, तो वहाँ यदि आप उसको लाइक करना चाहो, उस पर फोटोज़ वगैरह भेजना चाहो, तो वहाँ भी आप मुझे किसी भी क्वेश्चन की PDF भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन उसका बता दूंगी वीडियो के अंदर ही। और यदि छोटा मोटा सॉल्यूशन हुआ तो आपको वहीं की वहीं आपको बता दिया जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये खोल दिया हमने मल्टीप्लाई के लिए। डिवाइडेशन के लिए भी सेम ही ब्रेक होगा, क्योंकि माइनस को कभी करते ही नहीं है ना। तो आर का हो गया प्लस माइनस, डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू ए का क्या करेगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। और बी को कैसे बोलेंगे, सेम प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज इक्वल एज लाइक मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। उसका एक एग्जाम्पल अभी हम आपको कराते हैं, फटाफट से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्टार्ट करते हैं। कोई एक एग्जांपल जैसे कि आपको दे दिया परसेंटेज एरर ऑफ ए बी एंड सी आर 5 फर्क ही नहीं पड़ेगा।
एंड डिवाइडेशन का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है। बताओ बताओ समझ में आया? नोट कर लो इसको, इसको नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़े। आगे आपको बताते हैं कि यदि पावर्स हमारे पास हो तो क्या करेंगे। यदि हमारे पास पावर्स हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिए, एक लाइन लिख लो, जब भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में पावर आती है, पावर आती है तब पावर को बाहर ले लेते हैं। पावर को हम क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। तो पावर को बाहर लेंगे तो कैसे करेंगे? पावर को बाहर लेंगे तो जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ए की पावर एम और बी की पावर एन, इसे कैसे खोलोगे? आर को प्लस माइनस दे ला रहा खोला, ए की पावर एम बाहर निकाल लो प्लस माइनस एम दे दिया अपने, बी की पावर एन बाहर निकाल लो एन दे दिया अपन बी। क्लियर, समझ में आ गया? यदि अगर डिवाइडेशन हो तो डिवाइडेशन में क्या करेंगे? ए की पावर एम बी की पावर एन, सेम आंसर आएगा आर का प्लस माइनस दे रहा अपन आर, ए की पावर एम एम दे ए अपन ए, बस पावर को बाहर निकालना है एम दे भी अपन बी। क्लियर, एक क्वेश्चन कर ले जो इन दोनों को सॉल्व कर दे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए कि यदि आपको ये गिवन है प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए दो प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी थ्री प्लस माइनस डेल सी अपॉन सी इस फोर प्लस माइनस डेल डी अपॉन डी इस एट, और आपको बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है प्लस माइनस डेल बी अपॉन पी, और यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है पी का वो दिया हुआ है ये, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं है, इसको ब्रेक करना आना चाहिए, प्लस डेल बी अपॉन पी ए की पावर थ्री, थ्री बाहर आ गया डेल ए अपॉन ए, बी की पावर टू डेल बी अपॉन बी, सी की पावर कितनी है? सी की पावर है वन अपॉन टू, ऊपर नीचे का तो फर्क है नहीं ना, डिवाइडेशन का फर्क नहीं है डेल सी अपॉन सी, डी की पावर ऑल्सो वन बाई टू देन वन बाई टू डेल डी अपॉन डी, नाउ वी कैलकुलेट थ्री इंटू टू प्लस माइनस टू इंटू थ्री प्लस माइनस हाफ इंटू फोर प्लस माइनस हाफ इंटू एट, क्या हो गया यहाँ पर? प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर, कितना हुआ? छः और छः बारह और दो चौदह और चार अठारह प्लस माइनस अठारह, इसका आंसर आपका आ गया है। देख लीजिए समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? एरर्स के बारे में पढ़ा। एरर्स किसे कहते हैं? उसके जो टाइप्स थे सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर्स, इनके बारे में हमने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से। और आपको जब वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगी तब एरर्स को हम बहुत अच्छे तरीके से और दोबारा समझ लेंगे थ्योरेटिकल बेसिस में। क्लियर, अब हम यदि बात करें एरर्स में तो मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर क्या समझाया हुआ था, आ जाते हैं एक बार। एरर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन ये महत्वपूर्ण पार्ट है, इस चार्ट का आप फोटो खींच लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने आपको समझा दिया है इसका एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन का हमने आपको एक एग्जाम्पल समझा दिया है अच्छे तरीके से, ठीक। और जो पावर्स का मैटर है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं आपको बता देती हूँ। एक जो इसका फॉर्मूला बेसिक है वो
लीजिए। ये दिया हुआ है रिलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन देन पावर। पावर्स आर एग्जैक्ट कांस्टेंट। यदि एडिशन होगा सेम डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई, सब्ट्रैक्शन होगा डेल एक्स प्लस डेल वाई होगा सेम, मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स इंटू वाई। तब देखिए किस तरीके से हमने इसको ब्रेक किया है, वही डेल एक्स अपॉन एक्स डेल वाई अपॉन वाई। यदि जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई हो जाए तो भी सेम खुलेगा। और यदि पावर बाहर हो, पावर बाहर होगा तो हम क्या करते हैं इसको पावर को बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। इसकी अगली जो क्लास होने वाली है फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स बेसिक होने वाला है। कुछ न्यूमेरिकल्स 8 से 10 न्यूमेरिकल मैं अपने आप को कराऊंगी, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं वो हम आपको कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के लिए। थैंक यू।